हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है फैमिली। आज हम फैमिली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली की इंट्रोडक्शन की। द वर्ड फैमिली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम रोमन वर्ड फेमुलस विच मीन्स ए सर्वेंट। जो फैमिली वर्ड है वो डिराइव किया गया है रोमन वर्ड से। मतलब फैमिली वर्ड कहाँ से आया है? रोमन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ए सर्वेंट। फैमिली इज कंसिडर एज एन एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विथ और विदाउट चिल्ड्रेन। फैमिली क्या है? कंसिडर किया गया एज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब एक ग्रुप है ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी का, विथ साथ में और विदाउट बिना बच्चों के। फैमिली को कंसिडर किया गया एक ग्रुप के रूप में जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, साथ में बच्चे हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं, उसे हम फैमिली कहते हैं। इट इज कंसिडर एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो फैमिली है ये फंडामेंटल यूनिट है ह्यूमन सोसाइटी का। अब हम बात करते हैं फैमिली की डेफिनेशन की। सबसे पहले जो डेफिनेशन दिया था निमकॉफ, इन्होंने बताया कि मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विथ और विदाउट चिल्ड्रेन और मेन और वुमेन एलोन विथ चिल्ड्रेन। इन्होंने बताया कि मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन मतलब ग्रुप है ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी का, विथ और विदाउट साथ में या बिना चिल्ड्रेन बच्चों के। ये मैन और वुमेन एक आदमी या औरत एलोन विथ चिल्ड्रेन, बच्चों के बिना भी या बच्चों के साथ, डेट इज कॉल्ड फैमिली। अकॉर्डिंग टू इलियोट एंड मार्निल ने बताया कि फैमिली इज ए बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन। फैमिली क्या? एक बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है जो कि कंपोज बना हुआ है हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन से। अकॉर्डिंग टू क्लेरे, इन्होंने बताया कि फैमिली इज ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। इन्होंने क्या बताया? फैमिली क्या? एक सिस्टम है रिलेशनशिप का जो कि एक्सिस्टिंग है बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। बच्चों और जो पेरेंट्स हैं इनके बीच जो है एक्सिस्टिंग करता है रिलेशनशिप का, डेट इज नोन एज फैमिली। अब हम बात करते हैं बेसिक नीड्स ऑफ फैमिली, कि फैमिली के कौन कौन से बेसिक नीड्स हैं। सबसे पहला आता है फूड, खाना चाहिए सभी को, वाटर पानी चाहिए सभी को पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, क्लोथिंग कपड़ा चाहिए सोसाइटी में रहने के लिए, हाउसिंग घर चाहिए, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, कहते हैं स्वास्थ्य ही जीवन है। सेफ्टी चाहिए रहने के लिए, सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी, एजुकेशन शिक्षा भी चाहिए, अफेक्शन प्यार भी मिलना चाहिए सबको, कम्युनिकेशन बातचीत करने वाला भी होना चाहिए, और जो फैमिली का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। डेट इज ये जो है बेसिक नीड्स है फैमिली के। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, कि फैमिली के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला क्या आता है? मेन एंड वुमेन हैव मेटिंग रिलेशनशिप। जो आदमी और जो औरत है ये दोनों रिलेशनशिप में होना चाहिए। दूसरा है कॉमन रेजिडेंट प्लेस। फैमिली के लिए क्या है? कॉमन रेजिडेंट प्लेस का होना जरूरी है। तीसरा आता है सेटिस्फाई इकोनॉमिक नीड्स ऑफ इट्स मेंबर। ये जो है इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करता है परिवार के हर एक मेंबर की। तीसरा है लिमिटेड। चौथा है लिमिटेड साइज। फैमिली की जो है एक लिमिटेड साइज होती है, जैसे मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से टाइप्स के फैमिली अकॉर्डिंग टू साइज। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, फैमिली की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सभी मेंबर्स के प्रति। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फैमिली, कि फैमिली के जो है क्या क्या फंक्शन है। असेंशियल फंक्शन अनिवार्य, और नॉन असेंशियल फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं मेनली। जो असेंशियल फंक्शन है इसमें आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल डिजायर। असेंशियल मतलब अनिवार्य है, सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करना चाहिए। रिप्रोडक्शन एंड रिकेयरिंग ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे का उत्पन्न होना और साथ में बच्चों का जो है केयर करना इसमें सम्मिलित है। रिकेयरिंग ऑफ रियरिंग ऑफ चिल्ड्रेन मतलब बच्चों का जो है केयर करना। तीसरा है प्रोविजन ऑफ एट होम, मतलब एक सोसाइटी में जो है घर मिलना चाहिए रहने के लिए, दैट इज असेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली। अब हम बात करते हैं नॉन असेंशियल फंक्शन कौन कौन से है फैमिली की। नॉन असेंशियल फंक्शन सबसे पहले बात करते हैं रिक्रिएशन। फैमिली जो है रिक्रिएशन होना चाहिए। इकोनॉमिक फंक्शन, फैमिली की जो इकोनॉमिक फंक्शन मतलब हमें बोलते हैं कि पैसे होने चाहिए फैमिली में सर्वाइव करने के लिए, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए फैमिली को। सोशल, सोसाइटी में जो है रिलेशनशिप होना चाहिए, सोसाइटी के लोगों के साथ अटैचमेंट होना चाहिए, बॉन्डिंग होना चाहिए। रिलीजियस, एक फैमिली का जो एक धर्म के साथ होना, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख से अलग अलग धर्म है। सिविक्स होने चाहिए, एजुकेशन शिक्षित होना चाहिए फैमिली। और हेल्थ, सभी जो पर्सन है फैमिली मेंबर उन सबको हेल्थ मिलना चाहिए।
स्वास्थ्य, अच्छी स्वास्थ्य मिलने चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए, एक धर्म का होना चाहिए, सोसाइटी में रहना चाहिए और सोसाइटी की जो नीड्स है उनको फुलफिल करना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन जो है उनका अच्छे होना चाहिए और रिक्रिएशन होना चाहिए। ये है नॉन एसेंशियल फंक्शन ऑफ फैमिली। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली की। फैमिली की जो है बहुत सारे टाइप्स, हम अकॉर्डिंग टू एक ही करके बात करेंगे। जो सबसे पहला जो टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर, पहले हम बात करेंगे साइज और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, मैरिज के अकॉर्डिंग फैमिली कितने टाइप्स की है। एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर के। सबसे पहला आता है न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा है ज्वाइंट फैमिली, तीसरा है एक्सटेंडेड फैमिली। अब हम एक एक की अगेन बात करेंगे। न्यूक्लियर फैमिली क्या है? इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर इन 1950 एंड 1960 सेंचुरी, 1950 और 1960 की दौर में मोस्ट पॉपुलर रहा हुआ है न्यूक्लियर फैमिली। ए फैमिली ग्रुप दैट कंसिस्ट ओनली ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, ये न्यूक्लियर फैमिली में जो कंसिस्ट है ये मिला हुआ है ओनली ऑफ पेरेंट्स, केवल पेरेंट्स होना चाहिए और उनके बच्चे होना चाहिए, इन दोनों के मिलने से जो है न्यूक्लियर फैमिली बनता है। दूसरा है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली क्या है? ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया हैज बीन डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ, ये क्या है, ग्रुप है ऑफ पीपल का बिलोंगिंग जो रहते हैं, निवास करते हैं, ऑफ थ्री और मोर जनरेशन, तीन या इससे ज्यादा जनरेशन, हु लाइव अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे, ईट फूड कुक फ्रॉम द सेम हट, मतलब एक ही जो है स्टोव पे बना होना चाहिए खाना, उसको खाते हैं और एक ही छत के नीचे ये रहते हैं, तीन या तीन से ज्यादा जो जनरेशन हैं पीपल्स के, जो ग्रुप हैं उनकी जो जनरेशन है, दैट इज नोन एज ज्वाइंट फैमिली। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में क्या है? एन एक्सटेंडेड फैमिली इज फॉर्म व्हेन टू और मोर एडल्ट फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन ऑफ फैमिली शेयर ए हाउस होल्ड। ये एक्सटेंडेड फैमिली फॉर्म होता है, बना हुआ है दो या दो से अधिक एडल्ट हो, फॉर्म डिफरेंट जनरेशन, अलग अलग जनरेशन के जो हैं दो या दो से ज्यादा जो हैं एडल्ट हो, एडल्ट का मतलब जवान हो, जनरेशन ऑफ फैमिली एक ही फैमिली के, शेयर ए हाउस होल्ड, और एक ही घर में वो रहते हो। इट कंसिस्ट मोर देन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इसमें माता पिता और बच्चों के अलावा भी लोग होने चाहिए। इट मे बी फैमिली डैट इंक्लूड, इट में इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जो ये फैमिली है एक्सटेंडेड फैमिली, इसमें कौन कौन इंक्लूड है, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से सदस्य, पेरेंट्स माता पिता हो सकते हैं, चिल्ड्रन बच्चे हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, मतलब एंटी हो सकती है, अंकल हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, मतलब दादा दादी हो सकते हैं, और फॉस्टर चिल्ड्रेन भी हो सकते हैं जो एक्सटेंडेड फैमिली में इंक्लूड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेजिडेंट, रेजिडेंट की जो बेस है उनके बेस पर। पहला है फैमिली ऑफ मैट्री लोकल रेजिडेंट्स, दूसरा है फैमिली ऑफ पैट्री लोकल रेजिडेंट्स। हम एक एक की बात करेंगे। फैमिली ऑफ मैट्री लोकल रेजिडेंट्स का मतलब होता है, इन दिस टाइप ऑफ फैमिली हस्बैंड गोज टू लाइव्स ऑन हाउस ऑफ हिज वाइफ, जो हस्बैंड है वो जाता है रहने वाइफ हाउस ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के घर रहता है, मतलब हस्बैंड बिलोंग करता है घर हिज वाइफ, जो हस्बैंड है वो पत्नी के घर रहता है, इसे हम कहते हैं मैट्री लोकल रेजिडेंस ऑफ फैमिली। दूसरा जो टाइप्स है फैमिली ऑफ पैट्री लोकल रेजिडेंस, इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम ऑफ फैमिली इज सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के जो अलग अलग हिस्से में इस तरह के जो है फैमिली ऑफ पैट्री लोकल रेजिडेंस के फैमिली रहती है। इन सच टाइप ऑफ फैमिली वाइफ गोज, जो पत्नी है वो जाती है एंड लिव्स रहती है इन द हाउस ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने पति के घर पत्नी रहती है, तो इसे हम कहते हैं पैट्री लोकल रेजिडेंट। हाउस मतलब वाइफ रहती है घर में, हर हस्बैंड अपने घर अपने पति के घर में रहती है, इसे हम कहते हैं पैट्री लोकल रेजिडेंट। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट ऑफ और डिसेंट, एंसेंट और डिसेंट भी बोलते हैं इनके बेसिस पे। हम जो पहला आता है मैट्रिनिलियल फैमिली और दूसरा आता है पैट्रिनिलियल फैमिली। मैट्रिनिलियल फैमिली क्या है? इन दिस टाइप ऑफ फैमिली एंसेस्ट्री कंटिन्यूअस थ्रू, इन दिस टाइप ऑफ फैमिली एंसेट्री कंटिन्यूअस थ्रू मदर, मतलब मदर के जो है एंसेट्री का मतलब, एंसेट्री का मतलब होता है कुल वंशज बोल सकते हैं हम इसको, कंटिन्यू थ्रू द मदर, मतलब मदर के साइड जो है बच्चे रहते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली मैट्रिलिनियल में मदर इज बिलीव्ड टू बी ए एंसेटर ऑफ फैमिली, जो फैमिली का जो कुल है वो मदर की तरफ रहता है, मदर के घर रहता है। द राइट्स ऑफ ईच मेंबर डिपेंड ऑन द रिलेशन ऑफ मदर, मैट्रिनिलियन जो फैमिली है इनके जो हर एक मेंबर्स जो है डिपेंड होते हैं रिलेशन ऑफ मदर के ऊपर। दूसरा है पैट्रिनिलियल फैमिली, इन दिस टाइप ऑफ फैमिली इज प्रिवेलिंग इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो पैट्रिनिलियल है ये
मोस्ट पार्ट जो है इंडिया में निवास करती है इस टाइप के फैमिली का। इन दिस टाइप एनसीएंट्री मतलब वंश जो है कंटिन्यूस थ्रू द फादर, मतलब फादर पिता के साइड जो है वंश जो है बढ़ता है, इसे हम कहते हैं पैट्रिनिलियल फैमिली। ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज पहला है पॉलीएंड्रस, दूसरा है पॉलीगेमस, तीसरा है मोनोगेमस फैमिली। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। पहला है पॉलीएंड्रस फैमिली, ये क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली फॉर्म वेयर वन वुमेन मैरिज मैनी मेन, वन वुमेन जो है मैरिज मैनी मेन एंड लाइव्स विथ आर ऑफ देम और या विथ ईच अदर देम अल्टरनेटिवली। इसमें क्या होता है जो पॉलीएंड्रस है कि जो एक जो वुमन है एक जो महिला है मैरिज शादी करती है मैनी मेन, एक महिला बहुत सारे जो है आदमियों से शादी करती है एंड लाइफ और रहती है विथ ऑल ऑफ देम और सभी के साथ रहती है या फिर साथ में रहती है विथ साथ में ईच अदर ऑफ देम अल्टरनेट, जैसे एक पहले इसके साथ रह ली फिर इसके साथ फिर इसके साथ, इस तरह से वो अल्टरनेटिव रहती है या फिर एक साथ रहती है, लेकिन एक महिला जो है बहुत सारे मर्द के साथ शादी करेगी, मतलब वन मेन मैरिज मैनी मेन के साथ शादी करेगी, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस फैमिली, इस टाइप के फैमिली को। दूसरा है पॉलीगेमस फैमिली, इसमें क्या होता है ये जस्ट उसका अपोजिट है। द फैमिली फॉर्म्ड वेयर वन मेन मैरिज मैनी वुमेन एट वन टाइम। इस टाइप्स के फैमिली में क्या है कि जो एक जो मर्द है जो एक जो आदमी है वो शादी करता है मैनी वुमेन बहुत सारी औरतों के साथ एट वन टाइम एक ही साथ। वन मैन मैरिज मैनी वुमेन, एक आदमी शादी करता है बहुत सारे महिलाओं के साथ, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीगेमस फैमिली, इस टाइप्स की जो फैमिली होते हैं। तीसरा आता है मोनोगेमस फैमिली, इसमें क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ फैमिली इज प्रिवेलिंग ऑल ओवर वर्ल्ड। इन दिस वन मैन मैरी वन वुमेन, ये जो है पूरे वर्ल्ड में इस तरह की जो शादी है इस तरह की जो फैमिली है वो रहती है। इसमें क्या होता है वन मैन जो है मैरी करता है शादी करता है वन वुमेन से, हमारे यहाँ इस तरह की शादी ज्यादा होती है, एक मर्द जो है एक ही लेडीज के साथ शादी करता है, वन मैन मैरी वन वुमेन मोनोगेमस फैमिली होता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेज इन इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर, जो इंडियन जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से कारक हैं रिस्पॉन्सिबल हैं जो चेंज करते रहे हैं। पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा है अर्बेनाइजेशन, तीसरा है एजुकेशन, चौथा इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, पांचवा है डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, छठा है फर्टिलिटी वेरिएशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण, मतलब उद्योग के लिए धंधा काम धंधा के लिए बाहर आना इंडियन फैमिली की जो स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। दूसरा आता है अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, शहर की ओर जो है गांव के लोगों का पलायन करना अर्बनाइजेशन कहलाता है। एजुकेशन शिक्षा के लिए जो है एक जगह से दूसरे जगह लोग जो जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं एजुकेशन के कारण। ये भी एक फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है चेंज करता है इंडियन फैमिली का जो स्ट्रक्चर है उसमें। चौथा इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, हमारे यहाँ जो पश्चिमी सभ्यता है इनकी वजह से जो है हमारा कल्चर अब चेंज हो रहा है उनकी तरह ढल रहा है। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, जो हमारे यहाँ पहले जो कृषि बहुत हुआ करता था खेती आज वो कम हो रहा है, इसके कारण जो है लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। फर्टिलिटी वेरिएशन, जो फर्टिलिटी वेरिएशन इनफर्टाइल हो रहे हैं इनकी वजह से भी जो है हमारे जो फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो चेंज देखने को मिलती है। सातवां जो हमारा कैरेक्टर जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है चेंजेज इन मैरिज, मैरिज में जो है चेंजेज मतलब अलग अलग तरह की जो शादियां हो रही है, आपको मैंने मैरिज के जो टाइप्स बताए अकॉर्डिंग टू उनकी आधार पर भी जो है फैमिली की स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलती है। थैंक यू, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।